हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नया शटल मशीन में डालना बताता हूँ और ये हमको बांधना कहाँ पे है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम कभी कभार क्या है, शटल आउट बांधने की वजह से मशीन टाप भी मारती है और धागा भी काटती है। तो आज मैं आपको नया शटल बांधना सिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये ऐसे पकड़नी है कटोरी, जिसमें ये टकराए ना ऊपर, ये हमको इसमें लगा दिया हमने। इसके थोड़े पेच टाइट हुए हैं, पेचों को ढीला करता हूँ। और ये मैंने इसमें शटल लगाया, ये शटल लग गया इसमें। अब क्या है, मैं इसका स्टॉपर लगाऊंगा, उसके बाद आपको बताता हूँ हमको शटल बांधना कहाँ चाहिए। ये स्टॉपर आ गया इसका। तो मैंने ये कस दिया, स्टॉपर टाइट हो गया। और मैं आज आपको ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये देखना आप ध्यान से कि शटल की हमें सेटिंग कहाँ कर। तो दोस्तों, मैंने स्टॉपर कसा, शटल की सेटिंग तो बताऊंगा ही, पर देखो ये सुई आपको दिख रही होगी, ये हमारे हुक शटल में जो यहाँ गैप होता है ये आधे में, हमको यहाँ नहीं थोड़ी सी सुई पीछे रखनी होती है। तो स्टॉपर का पिच ढीला करो ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे करके आगे सरकाओ, जिससे क्या हमारी ऐसे आना चाहिए, ये जो सुई आ रही है हमारी यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद इस पेज को, स्टॉपर पेज को टाइट कर दिया हमने। अब क्या, ये मशीन आ गई। आप जब भी शटल बांधो दांते खोल के बांधना, जिससे कि सेटिंग बड़ा अच्छी होती है। तो अब ये शटल आ गया, अब मैं इसको ऐसे ये लिया मैंने। अब क्या, कुछ लोग, मैं आपको सुई में दिखाऊँ, इसमें यह सुराख होता है, इस सुराख पे इसकी शटल की जो नोक है ये वाली, इसको यहाँ इसकी नोक पे बांध देते हैं तो दिक्कत आती है। तो इसमें एक गड्ढा होता है पीछे को छोटा सा, उस गड्ढे के बीचा बीच में आती है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी ली, इसका सेंटर बनाया, इसकी नोक का सेंटर बनाया, यहाँ में कसना चाहिए। कुछ लोग क्या आगे बांध देते हैं, मशीन टाप मारती है, धागा काटती है, कभी पीछे कर देते हैं, ये यहीं होना चाहिए एक्यूरेट। तो नेंजो आ जाए, नहीं तो करिए अपने। इसका ये है यहाँ पे गड्ढा, इस गड्ढे के बीचा बीच में आती है, और ये नोक यहाँ होनी चाहिए। कुछ लोग क्या इसको आउट कर देते हैं तो वो मशीन धागा काटती है, फिर टाप देती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये सेट किया है, ये सबसे फर्स्ट क्लास जगह है। यहाँ पे इसको बांधने के बाद हमारे शटल की सेटिंग हो गई। तो आपने ये सेटिंग समझ ली, अगर आपको वीडियो सेटिंग समझ लिया आपने, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना भाई। ओके।